नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हरीश शर्मा। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी टेलीकॉम और रिटेल में तहलका मचाने के बाद अब एक नए मार्केट में बड़ा बस क्रिएट करने जा रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक सेगमेंट की, यानी कि अब सब कुछ प्लान के हिसाब से अगर रहा मुकेश अंबानी, तो फिर नई जो मुकेश अंबानी की कंपनी होगी वो आपके खून की जांच और बॉडी से जुड़े टेस्ट करते हुए भी आप देख सकेंगे। रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के मार्केट में बहुत पोटेंशियल दिखता है। पिछले 5 सालों में भारतीय डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है वो सालाना आधार पर 14% के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन $150 अरब की इस मार्केट में रीजनल कंपनियों का काफ़ी दबदबा है। तो कैसे रिलायंस एक बार फिर टेलीकॉम और रिटेल जैसी ग्रोथ स्टोरी डायग्नोस्टिक सेंटर में, डायग्नोस्टिक सेगमेंट में यहाँ पर कहें तो कैसे लिख पाएगी, आइए समझते हैं। यहाँ पर तो मुकेश अंबानी डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेगमेंट में अपने हाथ आजमाने जा रहे हैं। इस सेगमेंट की अगुवाई और कोई नहीं बल्कि रिलायंस रिटेल वेंचर करेगी। कंपनी ने इसके लिए पूरा प्लान बना लिया है। जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल वेंचर्स डायग्नोस्टिक सर्विस कंपनी में 1,000 से लेकर 3,000 करोड़ रुपए के मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की प्लानिंग कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस किसी डायग्नोस्टिक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का सौदा कर सकती है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की योजना टारगेट जो है वो बेसिकली कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की, यानी कि 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदने की। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं की हिस्सेदारी हो जाएगी, उन्हीं की कंपनी बन जाएगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस रिटेल खुद की डायग्नोस्टिक कंपनी बनाने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी का प्लान है कि इस डायग्नोस्टिक कंपनी का जो नेटवर्क है पूरे देश में फैल जाए, हर एक जगह पर फैले। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल वेंचर्स कई ऑप्शंस पर काम कर रही है। खबर ये भी है, मीडिया में रिपोर्ट्स ये भी है कि मीडियम टर्म में इस पर कोई डील की जा सकती है। किसी भी कंपनी से बातचीत चल रही हो, जल्द ही डील देखने को मिल सकती है मीडियम टर्म के हिसाब से। अभी रिलायंस की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो ये तैयारी जो है हाल फिलहाल में नहीं शुरू हुई, काफ़ी लंबे वक्त से चल रही थी। कैसे, आपको समझाते हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने नेट मेड्स का अधिग्रहण 2020 में किया था। आपको याद होगा इस कंपनी का नाम। उस समय मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उन्होंने नेट मेड्स को करीब 320 करोड़ रुपए में खरीदा था और मेजॉरिटी जो स्टेक थे वो हिस्सेदारी हासिल की थी। नेट मेड्स पहले सिर्फ ऑनलाइन के तौर पे काम करती थी रिलायंस के जरिए अधिग्रहण के बाद। अब ये जो कंपनी है इसकी ऑफलाइन उपस्थिति भी है। उसका जो पहला ऑफलाइन स्टोर था वो जनवरी 2023 में खुला था, लेकिन अब तक देश में करीब करीब नेट मेड्स के 1,000 से ज़्यादा आउटलेट खुल चुके हैं। और बीते वित्त वर्ष में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब 3 लाख करोड़ रुपए के पार निकल चुका है। नेटमेट्स का देश की बात करें तो इसका कई डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाइप है। थायरो केयर हो, हेल्थियंस हो, इनके साथ टाइप्स है। और इस साझेदारी के जरिए जो नेटमेट्स है वो ग्राहकों को पैथोलॉजी की सुविधाएं देती है और इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन की दवाएं भी जो बिक्री होती है वो भी मुहैया कराती है यहाँ पर। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई आखिर कैसे मुकेश अंबानी सेगमेंट में एंट्री करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और कैसे जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनका सामना करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, मुकेश अंबानी सेगमेंट में यूं ही नहीं एंट्री करने जा रहे हैं। इस सेक्टर का जो कारोबार है वो करीब $150 अरब का बताया जा रहा है। एमके रिसर्च के एक नोट के मुताबिक इस सेगमेंट में जो अभी 4 टॉप प्लेयर्स हैं उनकी हिस्सेदारी बाजार में करीब 6% है। आप सोचिए कितनी बड़ी मार्केट प्लेयर है, कितने बड़े मार्केट प्लेयर हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 6% है और बाकी जो है वो रीजनल प्लेयर्स हैं। और रीजनल प्लेयर्स की उनकी ही धमाक है। लेकिन अब ऐसे में अगर कोई कंपनी आती है और अपनी मोनोपोली करने की कोशिश करेगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो देखिए कैसे किस तरीके से मार्केट जो है वो क्रिएट हो गई यहाँ पर। पहले कोरोना जैसी महामारी आई और उसके बाद हमने देखा कि लगातार हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो ऐसे में इस सेक्टर को लेकर लगातार मांग बढ़ रही है। और बीते 3 साल की बात की जाए तो डायग्नोस्टिक सेक्टर में यहाँ पर कई बड़े अधिग्रहण भी देखने को मिले हैं। कोविड की बात करें, यहाँ पे जब कोविड हुआ था तो डॉक्टर जो लाल पैथलैब थे उन्होंने सब अर्बन डायग्नोस्टिक की जो हिस्सेदारी थी वो अपने नाम की थी। फार्म इजी ने भी थायरो केयर में मेजॉरिटी स्टेक हासिल किया था जिसकी वैल्यू करीब 4,500 करोड़ रुपए थी। मेट्रोपोलिस ने भी करीब यहाँ पे हाई टेक डायग्नोस्टिक सेंटर में करीब 636 करोड़ रुपए में यहाँ पर इसके अधिग्रहण किया था। पिछले 5 सालों में भारतीय डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है वो सालाना आधार पर 14% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखें तो 14% के हिसाब से बढ़ रहा है। ऐसे में इस मौके को मुकेश अंबानी गंवाने नहीं देना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए। ये वीडियो कैसी लगी कि मुकेश अंबानी अब नए सेक्टर में एंट्री करने जा सकते हैं, इस तरह की खबरें। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।